इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन फ्लो आर इनकरेक्ट। यहाँ पे हमारी एक रिएक्शन दी हुई है और उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट मीन्स रॉन्ग है। तो पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन है 2PbO + C gives 2Pb + CO2। लेड ऑक्साइड और कार्बन कम्बाइन करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और लेड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। किसी भी कंपाउंड में से जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो वो कंपाउंड रिड्यूस हो जाता है। तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है लेड में और कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। इसका मतलब है कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है लेड में और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब हम इन स्टेटमेंट्स को देख लेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, क्योंकि लेड रिड्यूस नहीं हो रही है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है लेड में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। थर्ड स्टेटमेंट है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। और लास्ट स्टेटमेंट है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है लेड में। स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इनकरेक्ट। और हमसे ये पूछा था कि कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, तो आंसर है स्टेटमेंट ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Fe. आयरन ऑक्साइड कम्बाइंस विद अल्मोनियम टू गिव अल्मोनियम ऑक्साइड एंड आयरन। ये रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है? द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में एक एलिमेंट अल्मोनियम है और दूसरा एलिमेंट है आयरन। अल्मोनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है आयरन ऑक्साइड से और फॉर्म करा है अल्मोनियम ऑक्साइड। तो जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में अल्मोनियम ने आयरन को आयरन ऑक्साइड से डिस्प्लेस करके अल्मोनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करा है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि अल्मोनियम आयरन से ऊपर लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में। अल्मोनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो इसलिए अल्मोनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा आयरन ऑक्साइड से और फॉर्म करेगा अल्मोनियम ऑक्साइड। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स। टेक द करेक्ट आंसर। जब आयरन फाइलिंग्स के ऊपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, हमें सही आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होंगे। सेकंड ऑप्शन क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होंगे। थर्ड ऑप्शन है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। और फोर्थ है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को लिखेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl + Fe। जब भी कोई मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन फाइलिंग्स पर ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और साथ ही आयरन क्लोराइड फॉर्म होगा। इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज Fe + HCl गिव्स FeCl2 + H2। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में तो हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हाइड्रोजन करने के लिए HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब दोनों साइड पर हाइड्रोजन इक्वल नंबर में प्रेजेंट है, क्लोरीन भी इक्वल नंबर में और आयरन भी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन Fe + 2HCl गिव्स FeCl2 + H2। कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसलिए जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फाइलिंग्स पर ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें क्यों बैलेंस करना चाहिए? ऐसे केमिकल इक्वेशन जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में, उस इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल Zn + H2SO4 के Zn SO4 + H2। इस रिएक्शन में जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फॉर्म कर रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब हम एग्जामिन करेंगे नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के एरो की दोनों साइड्स पर। तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे रिएक्टेंट्स में जिंक का एक एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी जिंक का एक एटम प्रेजेंट है,
हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं दोनों साइड्स पर, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच सेज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स न बनाए जा सकते हैं, न तोड़े जा सकते हैं, मैटर को न क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अबाउट बैलेंसिंग। क्वेश्चन 6 इज बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें इनको बैलेंस करना है। ए पार्ट इज HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम उस इक्वेशन में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको लिखेंगे, फिर उनके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। नंबर ऑफ एटम्स हम हर एक एलिमेंट के लिखेंगे रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पर हैं 1 + 2 = 3 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के हैं 2 × 2 = 4 एटम्स। नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 2 एटम्स है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 3 + 2 = 5 एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में 3 × 2 = 6 + 1 = 7 एटम्स है। कैल्शियम का 1 एटम है रिएक्टेंट साइड में और 1 एटम है प्रोडक्ट साइड में। अब यहाँ पर हम बिगेस्ट फार्मूला चूज करते हैं जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं, तो बिगेस्ट फार्मूला लेते हैं और उसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स जिस एलिमेंट के हैं उस एलिमेंट की बैलेंसिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बिगेस्ट फार्मूला है कैल्शियम नाइट्रेट का और इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन के, 6 एटम्स है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो अगर हम H2O के आगे 2 लिख देंगे प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 2 + 6 = 8। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हो गए 2 × 2 = 4 प्रोडक्ट साइड में। अब रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। HNO3 के आगे 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 2 × 3 = 6 + 2 = 8 और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 2 + 2 = 4। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में हो जाएंगे 2 और प्रोडक्ट साइड में पहले से ही 2 है। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। 2HNO3 plus CaOH whole twice gives CaNO3 whole twice plus 2H2O. This is the balanced form of the equation. Now B part is NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. इस इक्वेशन में भी हम जो एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है पहले वो लिख लेंगे। तो एलिमेंट्स हैं सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। सोडियम का 1 एटम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 2 एटम्स है। ऑक्सीजन का 1 + 4 = 5 एटम्स है रिएक्टेंट साइड में और 4 + 1 = 5 एटम्स है प्रोडक्ट साइड में। हाइड्रोजन के 1 + 2 = 3 एटम्स है रिएक्टेंट साइड में और 2 एटम्स है प्रोडक्ट साइड में। अब हम सबसे पहले NaOH के आगे अगर 2 लिख देते हैं तो सोडियम के 2 एटम्स हो गए रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन के 2 + 4 = 6 एटम्स हो गए और हाइड्रोजन के 2 + 2 = 4 एटम्स हो गए। राइट हैंड साइड में हमारे पास सोडियम के ऑलरेडी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने के लिए हम H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 4 + 2 = 6। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 2 × 2 = 4। तो ये इक्वेशन अब हो गई बैलेंस्ड। थर्ड इक्वेशन है NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। यहाँ पे सभी एलिमेंट्स लिख देंगे पहले, सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उनके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। सोडियम का 1 एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 1 एटम है। क्लोरीन का 1 एटम है रिएक्टेंट में और 1 एटम है प्रोडक्ट में। सिल्वर का 1 एटम है रिएक्टेंट में और 1 एटम है प्रोडक्ट में। नाइट्रोजन का 1 एटम है रिएक्टेंट में और 1 एटम है प्रोडक्ट में। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं रिएक्टेंट में और 3 एटम्स हैं प्रोडक्ट में। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। नाउ डी पार्ट इज BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। यहाँ पे भी हम पहले सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सिल्वर और ऑक्सीजन। अब इनके सारे एटम्स काउंट करके लिखेंगे। तो बेरियम का 1 एटम है रिएक्टेंट्स में और 1 एटम है प्रोडक्ट में। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में है 1 एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन का 1 एटम है। सल्फर का 1 एटम है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स है रिएक्टेंट साइड में और 4 एटम्स है प्रोडक्ट साइड में। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं है। अगर हम HCl के आगे 2 लिख देंगे तो अब प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। सो BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus 2HCl। दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, रिएक्शंस दी हुई हैं, इनके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। ए पार्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे पहले हमें इनके फॉर्मूले लिखने होंगे, उसके बाद केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला लिखने एलिमेंट्स की वैलेंसीज को इंटरचेंज कर देते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है और हाइड्रोक्साइड की 1 है -1, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2- और कैल्शियम की होती है 2+, दोनों ही वैलेंसीज कैंसिल होकर फॉर्मूला बन जाएगा CaCO3। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर इज H2O। अब यहाँ पे हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर उनके नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, मीन्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के वो लिखेंगे। तो एलिमेंट्स हमारे पास है कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में है 1, प्रोडक्ट में भी है 1। कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में है 1 और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में 2+2 4 और राइट हैंड साइड में है प्रोडक्ट साइड में 3+1 4। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में है 2 और प्रोडक्ट साइड में भी है 2। तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ विल कम टू बी पार्ट। नाउ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक का सिंबल होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर इज Ag और नाइट्रेट होता है NO3-। सिल्वर की वैलेंसी +1 है और नाइट्रेट की -1 है। वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाएंगे, फॉर्मूला बनेगा AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट। जिंक की वैलेंसी होती है 2+ और नाइट्रेट की होती है 1-, तो वैलेंसीज इंटरचेंज होकर जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर इज Ag। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, Zn प्लस AgNO3 गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट्स लिख देंगे। एलिमेंट्स हैं Ag, NO और Zn। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो सिल्वर के लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है और राइट हैंड साइड में 1 एटम है। नाइट्रोजन का 1 एटम है रिएक्टेंट साइड में और 2 एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम AgNO3 फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नाइट्रोजन के दोनों साइड्स में ही 2 एटम्स हो गए। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में 2, 3, 6 और राइट हैंड साइड में भी है 3, 2, 6। जिंक का नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में है 1। सिल्वर के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है, इसलिए हम राइट हैंड साइड में दैट मीन्स प्रोडक्ट साइड में भी Ag को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सी पार्ट इज अल्मोनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स अल्मोनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। अल्मोनियम का सिंबल होता है Al और कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2। कॉपर की वैलेंसी है 2+ और क्लोराइड की है -1, तो वैलेंसीज इंटरचेंज होकर कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा CuCl2। दैट मीन्स कॉपर की वैलेंसी हम क्लोराइड के साथ लिखेंगे और क्लोराइड की वैलेंसी कॉपर के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो CuCl2 इज कॉपर क्लोराइड गिव्स अल्मोनियम क्लोराइड। अल्मोनियम की वैलेंसी होती है 3+ और क्लोराइड की होती है 1-, वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाएंगे। अल्मोनियम की सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे 1 और क्लोराइड की सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे 3। तो फार्मूला अल्मोनियम क्लोराइड का होगा AlCl3 प्लस कॉपर, कॉपर इज Cu। अब हमारे पास इक्वेशन हो गई Al प्लस CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu, बट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। सो टू बैलेंस दिस इक्वेशन वी फर्स्ट राइट द ऑल द एलिमेंट्स विच आर गिवन इन द इक्वेशन, अल्मोनियम, कॉपर एंड क्लोरीन। नाउ वी राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अल्मोनियम ऑन रिएक्टेंट साइड इज 1 एंड ऑन प्रोडक्ट साइड इज 1। कॉपर के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में है 1 और प्रोडक्ट साइड में भी 1। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स हैं। क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। CuCl2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ क्लोरीन के हो गए 2, 3, 6 एटम्स और राइट हैंड साइड में दैट मीन्स प्रोडक्ट साइड में फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी क्लोरीन 6 एटम्स हो जाएंगे। अब कॉपर के नंबर ऑफ एटम्स 3 हो गए रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 1 एटम है, तो हम Cu के आगे 3 लिख देंगे। प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स 3 हो गए कॉपर के, तो यहाँ पे क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं कॉपर के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए। अल्मोनियम के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो रिएक्टेंट साइड में भी अल्मोनियम के आगे 2 लिख देंगे। अब सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स दोनों ही साइड्स में इक्वल हो गए हैं, तो ये इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ डी पार्ट इज बेरियम क्लोराइड
प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो पहले बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे, बेरियम की वैलेंसी है 2+ और क्लोराइड की है 1-, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट में फॉर्मूला होगा K2SO4, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी है K+ और सल्फेट की है 2-, तो वैलेंसीज इंटरचेंज होकर पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी 2+ और सल्फेट की 2-, वैलेंसीज क्रॉस होने के बाद कैंसिल हो जाएंगे और फॉर्मूला बनेगा BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड है KCl। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस KCl। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम एलिमेंट्स लिखेंगे, बेरियम क्लोरीन पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, बेरियम का 1 एटम है दोनों साइड्स पर, क्लोरीन का 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड पर और 1 एटम है प्रोडक्ट साइड में, तो KCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेशियम के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे और 2 एटम्स है प्रोडक्ट साइड पे, सल्फर का 1 एटम है दोनों साइड्स पे और ऑक्सीजन के 4 एटम्स है दोनों साइड्स पे। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ए पार्ट इज पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड एक्वस गिव्स पोटेशियम आयोडाइड एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड। तो पहले इनके फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद हम इन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड इज KBr, पोटेशियम की वैलेंसी +1 और ब्रोमाइड की -1, तो इनका फॉर्मूला पोटेशियम ब्रोमाइड का होगा KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम की वैलेंसी होती है 2+ आयोडीन की 1-, फॉर्मूला होगा BaI2 गिव्स पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होगा Ki, पोटेशियम का सिंबल है K, वैलेंसी है +1, आयोडीन का सिंबल है I, वैलेंसी है -1, फॉर्मूला हो जाएगा Ki प्लस बेरियम की वैलेंसी है +2 और ब्रोमाइड की है -1, तो बेरियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होगा BaBr2। हमारे पास इक्वेशन हो गई KBr प्लस BaI2 गिव्स Ki प्लस BaBr2। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम एलिमेंट्स लिखेंगे KBr, Ba और I। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, पोटेशियम का 1 एटम है दोनों साइड्स पर, ब्रोमीन का 1 एटम है रिएक्टेंट में और 2 एटम्स है प्रोडक्ट में, तो हम KBr को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट साइड पे। अब यहाँ पर ब्रोमीन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और पोटेशियम के भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो पोटेशियम के नंबर ऑफ़ एटम्स बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड में Ki को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रोडक्ट साइड में भी अब हमारे पास पोटेशियम के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए दोनों साइड्स में, ब्रोमीन के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड हैं, बेरियम का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है, आयोडीन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी अब 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। बी पार्ट इज जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहाँ पे जिंक कार्बोनेट टूट रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3, जिंक की वैलेंसी है 2+ और कार्बोनेट CO3 की होती है 2-, तो फॉर्मूला बनेगा ZnCO3 गिव्स जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक की वैलेंसी 2+, ऑक्सीजन की 2-, फॉर्मूला होगा ZnO गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। अब इस इक्वेशन के बैलेंसिंग चेक करने के लिए हम सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे और उनके नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर जिंक, कार्बन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स हैं और इनके नंबर ऑफ एटम्स, जिंक के नंबर ऑफ एटम्स हैं 1 दोनों ही साइड्स में, कार्बन का 1 एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में और 1 एटम प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में और 3 एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ सी पार्ट इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2। क्लोरीन भी डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला है HCl, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1 और क्लोराइड की है -1, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला है HCl। तो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। यहाँ पे 2 एटम्स हाइड्रोजन और क्लोरीन के प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड में, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का ही 1 एटम्स प्रेजेंट है, तो हम HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन और क्लोरीन के इक्वल हैं दोनों ही साइड्स में। डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा MgCl2। मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2+ और क्लोरीन की है -1, तो वैलेंसीज इंटरचेंज होके सबस्क्रिप्ट में Cl की लिखेंगे 2 और मैग्नीशियम की सबस्क्रिप्ट में 1 या कुछ नहीं लिखेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2 प्लस H2।
अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे सभी एलिमेंट्स के। मैग्नीशियम का वन एटम प्रेजेंट है दोनों ही साइड्स में, हाइड्रोजन का वन एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट में और टू एटम्स प्रेजेंट है प्रोडक्ट में, क्लोरीन का वन एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट में और टू एटम्स प्रेजेंट है प्रोडक्ट में। तो HCl को रिएक्टेंट साइड पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड में, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और इनके एग्जांपल्स हमें लिखना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के साथ हीट भी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब मीथेन गैस एयर में बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज हो, हीट बाहर निकले, उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल है क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करती है सिल्वर मेटल में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हमने अभी पढ़ा कि वो रिएक्शंस जिनके होने पर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ हीट बाहर निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है इसको एक्सप्लेन करेंगे। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और साथ ही एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है और इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट भी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट क्यों कहा जाता है और इनके लिए हमें इक्वेशंस लिखनी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस टूटता है दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पर हीट करने पर। एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए हम वाटर के फॉर्मेशन के एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम्बाइन करके वाटर फॉर्म करते हैं। यहाँ पर दो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम्बाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इन एग्जांपल से क्लियर है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें यहाँ पर तीनों तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जहाँ पे रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट, वो रिएक्शंस जिनमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और वो रिएक्शंस जिनमें कंपाउंड ब्रेक हो रहा है ब्रेक डाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑन हीटिंग। तो ये रिएक्शन हीट करने की वजह से हो रही है। जिस रिएक्शन में एनर्जी हीट की फॉर्म में सप्लाई की जाती है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में एनर्जी हीट की फॉर्म में सप्लाई की जा रही है। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट हीट करने पर ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, उनको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। इस रिएक्शन में एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही है, सप्लाई की जा रही है। ऐसे रिएक्शंस को फोटोलिटिक रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें एनर्जी
लाइट की फॉर्म में या सनलाइट की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। जब एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। वाटर डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है और कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, उन रिएक्शंस को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का डिफरेंस बताना है और उनके लिए इक्वेशंस लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कम रिएक्टिव एलिमेंट को ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन में से। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है और न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस रिएक्शन में जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कराया कॉपर सल्फेट सॉल्ट में से और फॉर्म कराया जिंक सल्फेट। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में आयंस ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज करी है। सोडियम सल्फेट आयंस को छोड़कर क्लोराइड आयंस के साथ फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम ने सल्फेट आयंस के साथ फॉर्म करा है बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर दोनों ही आयंस ने अपनी प्लेसेस को एक्सचेंज कर लिया है और दो नए प्रोडक्ट्स फॉर्म कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज यूज्ड इन द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की रिफाइनिंग जब करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर ऑब्टेन करने के लिए उसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करवाते हैं। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, इसलिए कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से और फॉर्म करता है कॉपर नाइट्रेट और हमें सिल्वर ऑब्टेन हो जाता है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो यहाँ पर इन्वॉल्व है। क्वेश्चन 15 इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है और उसके एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। कोई भी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं फॉर्म होता है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब वो रिएक्शंस जिसमें कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन हो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। जब सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है सिल्वर क्लोराइड का, क्योंकि यहाँ पे हमें एक वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड मिला है सिल्वर क्लोराइड का। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्वेश्चन 16 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स ईच। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। वो केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया है और फॉर्म करा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन का गेन होता है या हाइड्रोजन का लॉस होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है कॉपर ऑक्साइड में, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। नाउ रिडक्शन रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन का गेन होता है उन रिएक्शंस को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हैं तो जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होते हैं। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है जिंक में क्योंकि उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है। जब कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो कॉपर मेटल और वाटर फॉर्म होते हैं। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज करके कॉपर मेटल फॉर्म कर रही है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है कॉपर में। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. Shiny brown color का element है copper. Copper को जब heat करते हैं तो वो form करता है एक black color का compound copper oxide. Cu plus O2 on heating gives 2CuO. Why do we apply paint on iron articles? लोहे की बनी हुई चीज़ों के ऊपर हम paint क्यों apply करते हैं? आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचाने के लिए उनके ऊपर पेंट किया जाता है। जब आयरन आर्टिकल्स के सरफेस को पेंट अप्लाई कर देते हैं तब उनका कांटेक्ट एयर और मॉइस्चर से कट ऑफ हो जाता है।
जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि रस्टिंग होती है आयरन आर्टिकल्स की जब वो एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं। जब उनके ऊपर पेंट अप्लाई कर देते हैं तो फिर वो एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। क्वेश्चन 19 इज ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई? तो जिन फूड आइटम्स में ऑयल या फैट होता है उनके अंदर नाइट्रोजन फिल की जाती है, उनके पैकेट्स में नाइट्रोजन भर दी जाती है, व्हाई? वो फूड आइटम्स जिनके अंदर ऑयल या फैट प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर की प्रेजेंस में और फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट्स जिनकी स्मेल अनप्लेजेंट होती है और टेस्ट भी अनप्लेजेंट होता है, और फूड रेंसिड हो जाता है। रेंसिडिटी फूड को अनफिट बनाती है ईटिंग के लिए, इसलिए जो फूड ऑयल या फैट कंटेन करते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो। नाइट्रोजन भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, इसलिए फैट और ऑयल कंटेन करने वाले फूड आइटम्स में नाइट्रोजन फ्लश की जाती है ताकि उनका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाए, जिसकी वजह से फूड रेंसिड नहीं हो और उसका टेस्ट गुड रहे लंबे समय तक के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो हमें कोरोजन और रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करना है और साथ ही उनका एक एक एग्जांपल भी देना है। जब मेटल्स पर एयर, मॉइस्चर या एसिड्स का अटैक होता है तो वो कोरोड हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है कोरोजन का। जब आयरन आर्टिकल्स को एयर में कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर जिसको रस्ट कहते हैं उसकी कोटिंग जमा हो जाती है। आयरन का कोरोजन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, अगर हम इसको टाइम पर प्रिवेंट नहीं करेंगे तो पूरा ही आयरन ऑब्जेक्ट डैमेज हो जाता है। जब ऑयल और फैट कंटेन करने वाले फूड मटेरियल्स को ज़्यादा टाइम के लिए एयर में रखते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो रेंसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्मेल, टेस्ट और कलर चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी की वजह से फूड खाने के लिए अनफिट हो जाता है, इसीलिए जिन फूड्स में ऑयल्स या फैट होता है उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं। पोटैटो चिप्स को अगर हम कुछ टाइम के लिए एयर में एक्सपोज कर देंगे तो वो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएंगे रेंसिडिटी की वजह से, इसलिए पोटैटो चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है टू कट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन।